300만 원, 400만 원. 와! 굿! 와. हेलो एवरीवन नमस्ते वेलकम बैक टू माय चैनल. काफी मेहनत से आप बार बार मुझे रिक्वेस्ट कर रहे हो कि दीदी आप प्लीज एक कन्वीनियंस स्टोर चैलेंज करिए. अगर जनता को कन्वीनियंस स्टोर चैलेंज चाहिए तो जनता को कन्वीनियंस स्टोर चैलेंज मिलेगा. हुकूमत के घर में देर है अंधेर नहीं. Okay. आज हम करने वाले हैं 24 आवर्स वेजिटेरियन सुविसाइड चैलेंज. मुझे पता है कि आप में से बहुत सारे लोग वेजिटेरियन हैं और आप हमेशा मुझसे पूछते रहते हो कि क्या आप कोरिया में वेजिटेरियन होकर सर्वाइव कर सकते हो. तो आज मैं आपको थोड़े बहुत जो वेजिटेरियन ऑप्शन होते हैं ना कन्वीनियंस स्टोर में वो वाले दिखाऊंगी. जिस दिन ये व्लॉग आएगा आई थिंक उस दिन होली होगी. तो हैप्पी होली एवरीवन. कुछ दिन बाद में मैं सोल जाऊंगी होली खेलने के लिए. उसके लिए मैं बहुत ही एक्साइटेड हूँ और ऑफ कोर्स उसका व्लॉग भी आएगा. मुझे पता है कि आप ये व्लॉग अभी तक क्यों देख रहे हैं क्योंकि आप सब लोग परंपरा का वेट कर रहे हैं. तो हर सुविसाइड चैलेंज में हम कुछ अजीब गरीब टीएम्स पढ़ते हैं तो आज भी मुझसे स्टार्ट करते हैं. किसी ने पूछा है व्हाट डू यू नीड द मोस्ट. अ न्यू कमेंट सेक्शन. यार ये क्या लगा रखा है. शी नेवर फेल्स टू मेक अ ब्लैश. शी नेवर फेल्स टू मेक अ ब्लैश. मेरा लाइफ खराब हो गया मेरा. एक महापुरुष ने लिखा है आई कैंट स्टैंड यू. तो सिट डाउन ना यार. इतनी सी छोटी सी प्रॉब्लम के लिए डीएम करने की क्या जरूरत थी. एक लकड़ी ने लिखा है तुम अपने आप को क्या समझती हो. आपसे बेहतर. किसी ने अर्ज कराया यू लुक ओल्ड. भाई साहब ओल्ड इज गोल्ड. और वैसे भी 57 इयर्स ओल्ड के हिसाब से मैं काफी नौजवान मस्त लौंडिया लगती हूँ. किसी ने मेरी अंग्रेजी की तारीफ करी और बोला है कि योर इंग्लिश इज सो गुड. तो इसके बारे में मैं सिर्फ ये चीज बोलना चाहूंगी कि माय इंग्लिश इज सो. किसी ने मेरी तारीफ की और लिखा है फुलझड़ी लग रही हो. जली हुई. ये बोलना जरूरी था. आज के लिए सिर्फ इतना है. अभी हम जल्दी से रेडी होते हैं ब्रेकफास्ट करने के लिए. सो गाइस मैं मस्त नहा धो के रेडी शेडी हो गई हूँ और अभी हम जल्दी से हमारे थोबड़े का मेकअप करते हैं और उसके बाद में हम जाएंगे कन्वीनियंस स्टोर ब्रेकफास्ट करने के लिए. ये जो बटर नाइफ जैसा दिख रहा है ना आजकल कोरियन लोग इससे जो फाउंडेशन होता है ना वो वाला लगाते हैं. ये जो कुशन होता है ना इससे नहीं लगाते. जिस कंपनी के लिए मैंने फर्स्ट टाइम मॉडलिंग करी थी ना उन्होंने मुझे गिफ्ट में सेंड कराया. तो सबसे पहले आपको फाउंडेशन को अपने हाथ पर लगाना है और उसके बाद में ये स्पैचुला लेकर इसको ऐसे लेना है और जैसे आप ब्रेड पर बटर लगाते हो ना वैसे आपको अपने थोबड़े पर ये लगाना है और उसके बाद में अपने फिंगर को यूज करके इसको अच्छे से पैट कर दो. ऐसे बिल्कुल नहीं लग रहा कि मैंने फाउंडेशन लगा रखी है. मस्कारा. मैंने आपको 300 रुपीज वाले चैलेंज में बोला था एंड में बोला था कि नेक्स्ट वीडियो मम्मू का बर्थडे होगा लेकिन मैंने अभी तक सेलिब्रेट नहीं करा क्योंकि जो मेरी फ्रेंड है ना सोई वो परसों मेरे घर पर आ रही है. उसके लिए मैं बहुत एक्साइटेड हूँ क्योंकि पहली बार मैं घर पर पजामा पार्टी करने वाली हूँ तो बहुत ही मजा आएगा. ब्रेकफास्ट के लिए कौन इतना तैयार होता है. आई लुक प्रिटी. मम्मा मैं कैसी लग रही हूँ. एकदम चुड़ैल लग रही है. थैंक यू वेरी मच. बेइज्जती के लिए थैंक यू बोल रही है. बारिश हो रही है. बारिश में व्लॉगिंग करना मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है. आज हम ब्रेकफास्ट इस सीयू कन्वीनियंस स्टोर में करने वाले हैं. इसका पानी अच्छे से निकाल देते हैं. ये पर्पल वाली छाबड़ी ले लेते हैं. ये चॉकलेट वाले सीरियल ले लेते हैं. सीरियल के अंदर हमें दूध भी मिलाना पड़ेगा तो यहाँ पर पीछे रहा दूध. छोटा सा क्यूट सा नन्ना मुन्ना वाला लेते हैं. पीछे देखो पीछे. यहाँ पर आपको अलग अलग फ्रूट्स मिलेंगे. ये ऑरेंजेस भी ले लेते हैं. कितनी क्यूट होता है. मिठाई में ये ग्रीन टी मोची ले लेता. आई थिंक इतना सामान काफी है तो अभी हम इसको पे करते हैं. 4.3 million. Wow, you are famous. I will follow you. Oh, thank you. 9000 का है. सबसे पहले हम कॉम्प्लेक्स से स्टार्ट करते हैं. मुझे याद ही नहीं कि मैंने लास्ट टाइम कॉम्प्लेक्स और दूध कब खाए थे. अभी हम ये संतरा ट्राई करते हैं. ये फ्रेश नहीं है लेकिन फिर भी इतने महंगे हैं. मुझे डर लग रहा है कि मैं इसको कहीं गिरा ना दूं. ये तो बिल्कुल जेली है. ये मजबूर है पर आप नहीं.
देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। इनका ना मानसिक संतुलन खराब है। इसको ट्राई कर यार। इसको ट्राई करते हैं। जो पानी का टेस्ट होता है ना उसमें थोड़ी सी चीनी डाल दो वैसा टेस्ट आ रहा है। बासी कैसी शो क्या क्या हम कुंग बारे जानो नहीं आनियो कच्चा मंगानी है सुम सा चौक यहाँ पर मैं और आजुषी बहुत ही मज़ेदार बातें कर रहे हैं और वो बोल रहे हैं कि बेटा शादी कर ले सेटल डाउन हो जा और जैसे ही मैंने उनको बोला कि अंकल मैं सिंगल हूँ तो उन्होंने यकीन ही नहीं किया। आई डोंट नो अगर ये कोरियन चीज़ है नहीं लेकिन हमेशा कभी ना कभी कैसे ना कैसे जिससे मैं मिलती हूँ ना वो मुझसे पूछते हैं कि मैं कितना कमाती हूँ। घर वाले बोलते हैं कि शादी कर ले और आजकल तो यहाँ के कोरियन आजुषी भी वो सेम बोलने लग गए। यार ये तो मेरे थोबड़े से भी बड़ा है। गुड 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 होता है गुड गुड। अभी हम जल्दी से घर पर चलते हैं और मुझे घर की साफ सफाई भी करनी है सोई के आने से पहले तो बहुत सारा काम है। ये मेरे साथ जो बच्चे के साथ होगा अभी मैं मेरे पावर यूज करके अपने आप को घर पर टेलीपोर्ट करती हूँ। Anyway guys, ये वाला बेडरूम सोई रख लेगी सोने के लिए और मैं सोच रही हूँ कि यहाँ पर जो दूसरा बेडरूम है ना मैं यहाँ पर सो जाऊंगी। यहाँ पर बहुत ही मैसी हो रखा है। ये पूरा खाना मुंगमुंग का है, ये रहा मुंगमुंग का केक, सब मैंने जो डॉग रेस्टोरेंट होते ना वहाँ से बनाया है। क्या मैं ये अभी खा सकता हूँ? अभी नहीं खाना है, जब सोई आएगी ना तब साथ में खाएंगे। जब अजब भी आते तो यूजली यहाँ पर रहते लेकिन अभी बहुत ही बिखरा हुआ पड़ा है तो सबसे पहले इसकी झाड़ू लेते हैं और साफ सफाई करते हैं। साफ सफाई करने के बाद में मैंने सोचा कि लंच करने से पहले मैं मुंगमुंग को थोड़ा बाहर घुमा लूँ तो अभी मैं उसको जो उसका रेनकोट है ना वो वाला पहना रही हूँ। लेट्स गो मुंगमुंग। अभी मैं और मुंगमुंग रेडी हो चुके हैं बाहर जाने के लिए। चल मुंगमुंग बाहर चले। मुझे बरसात में नहीं घूमना यार, मैंने बोला था कि मैं नहीं जाना चाहता। मुंगमुंगी लगता है मुंगमुंग का मूड नहीं है बाहर जाने का। मुंगमुंग का बिल्कुल मूड नहीं था बरसात में खेलने का तो अभी हम यहाँ पर ये जो बैल्कनी है ना यहाँ पर आए हैं थोड़ा घूमने के लिए। आज हम लंच इस E-Mart 24 कमीनू स्टोर में करेंगे। यहाँ पर ब्लैक कलर की छाबड़ी है। कमीनू स्टोर में प्योर वेजिटेरियन खाना मिलना बहुत ही मुश्किल होता है लेकिन फिर भी मैं ट्राई करूंगी। ये कॉर्न प्योर वेजिटेरियन है तो ये वाला ले लेता। यहाँ का एप्पल देखो कितना महंगा है। अगर मैं ये चैलेंज नहीं कर रही होती ना तो मैं ये बिल्कुल नहीं खरीदती सिर्फ इस चैलेंज के लिए। मुझे यहाँ पर ये जो ग्लास नूडल्स होते हैं ना ये वाले मिले हैं लेकिन मुझे पता नहीं इसके अंदर मीट है या नहीं। यहाँ पर जो काम करते हैं उनसे पूछते हैं। योगी निकोगी इंदा नहीं सैडली उसके अंदर मीट था तो मैंने उनको बोला कि प्लीज मेरी हेल्प कर दो खाना चूज करने में। मैंने उनसे पूछा कि कोई दूसरा सजेस्ट कर दो जिसके अंदर मीट ना हो। मेरी फ्राइड राइस खाने की बहुत इच्छा हो रही थी तो उसने मेरी मदद करने की कोशिश करी लेकिन सैडली हमें कुछ भी प्योर वेजिटेरियन नहीं मिला। नहीं कम ना मिला। फाइनली मुझे कुछ वेजिटेरियन में मिल गया। ये जो मोमोज है ना इन मोमोज के अंदर सिर्फ टोफू मशरूम और जो प्याज होते हैं ना वो वाले ही है। ये स्वीट पम्पकिन पॉरेज ये भी ले लेता। एक और चीज़ बिना मीट की मुझे मिल गई। इसके ऊपर लिखा हुआ भी है कि नो मीट कंटेंट। इन्हें यहाँ पर बना के नहीं खा सकते, घर पर बना के खा सकते हैं। इसके साथ हमें चावल भी चाहिए तो ये वाले ले लेते हैं। मेरे पीछे बहुत सारे स्नैक्स है जो कि वेजिटेरियन लोग खा सकते हैं लेकिन मुझे जो प्रॉपर खाना होता है ना वो वाला खाना है तो यहाँ से मैं कुछ नहीं लेने वाली। यार इस बार हम नूडल्स नहीं खा सकते क्योंकि मोस्टली नूडल्स के अंदर जो मीट पाउडर होता है ना वो वाला होता है। ये जूस मुझे अजीब सा लग रहा है तो ये वाला मैं ट्राई करना चाहती हूँ। इस किमचे के अंदर फिश सॉस है तो नहीं ले सकते। अब इसको पे करते हैं। ये सारा सामान वहाँ पर बैठ के खाते हैं। ये वाली चीजें हम डिनर पर खाएंगे और जो बाकी का है ना वो अभी खाएंगे। अभी हम ये स्वीट पम्पकिन पॉरेज खाते हैं। इसके अंदर आपको स्पून भी मिलेगी। थोड़ा अंदर से गिर गया, कोई बात नहीं।
लंच में सूप कौन खाता है? ये तो बीमारों वाला खाना है। नोप। 3 मिनट लगेगी। गाइस पोपट हो गया। मैं ये पढ़ रही थी और मैंने रियलाइज करा कि यहाँ पर लिखा हुआ है कि इसके अंदर कुछ स्मॉल अमाउंट ऑफ मीट और जो एग होता है ना, शेल्स होते हैं ना एग के, वो हो सकते हैं। आई एम सो सॉरी। एक ट्राई करते हैं। बिल्कुल भी टेस्टी नहीं है। लास्ट आइटम एप्पल। वैसे तो ये साफ है, लेकिन एक बार और इसको साफ कर देती हूँ। खाना मैंने ऑलमोस्ट सारा खा लिया, लेकिन बिल्कुल भी टेस्टी नहीं था। मंग मंग बैठने का तरीका थोड़ा कैजुअल है। मंग तो खुश है ना, परसों तेरा बर्थडे मनाएंगे हम। एक्चुअली इसका बर्थडे तो 2 महीने पहले ऑलमोस्ट चला गया, लेकिन कोई बात नहीं, चलता चलता। मंग कुत्ते वाला केक खाएगा, कुत्ते वाले खाना खाएगा, कुत्ते वाले कपड़े पहनेगा, कुत्ते वाले पार्टी करेगा। और अगर तूने मंग को एक और बार कुत्ता बोला तो मंग तुझे मारेगा। सो गाइस मैंने वापस मेरी फैशन चेंज कर दी है और मैंने बहुत टाइम बाद में जो स्किनी जीन्स होती है ना, वो वाली पहनी है। मुझे घर के लिए थोड़ा बहुत सामान खरीदना है सोई के आने से पहले, तो मैं सोच रही हूँ कि सबसे सस्ता सामान 250 में मिलता है, तो अभी हम 250 चलते हैं। ये मंग मुझे बाय बोलने भी नहीं आया। फाइनली अभी हम 250 पहुंच गए। बारिश में मेरे पूरे बाल खराब हो गए, और क्योंकि मैं सच में एक चुड़ैल जैसी लग रही थी, तो सबसे पहले मैंने जो मेरे बाल है ना वो अच्छे से सेट करे, और उसके बाद में जो घर में परफ्यूम लगाते ना वो वाली हर रूम के लिए एक एक खरीदी, टूथपेस्ट भी खरीदा, और जो हैंगर्स होते हैं ना कपड़े टाँकने के लिए वो भी लिए। मुझे ये चाहिए टॉवल्स हैंग करने के लिए। गाइज अभी रात के 10 बजने वाले, तो मैं सोच रही डिनर कर लेती हूँ। और एक सैड न्यूज़ है, कुछ घंटे पहले सोई ने मुझे मैसेज करा और उसने बताया कि उसकी तबीयत बहुत ख़राब हो गई है, उसको जो कफ वगैरह होती है ना उसकी प्रॉब्लम हो रही है। तो मैंने बोला कि कोई बात नहीं, थोड़ा आराम कर ले, हम नेक्स्ट टाइम मिलेंगे। अभी मुझे कन्फ्यूजन हो रहा है, तो आप प्लीज़ कमेंट में मेरी हेल्प करिए, क्या मुझे और मंगू का सोई का वेट करना चाहिए ताकि कि हम एक साथ मंगू का बर्थडे सेलिब्रेट कर सके, या फिर मैं हमेशा की तरह मैं और मंग बर्थडे सेलिब्रेट करें? क्योंकि अभी जो केक है ना वो आई थिंक एक दो हफ्ते तक तो वो सही रहेगा, खराब नहीं होगा। तो प्लीज कमेंट में जरूर बताना। और अभी हम जो डिनर है ना उसकी तैयारी करते हैं। मोमो गरम है तो नहीं खा सकता। इसके अंदर आलू, गाजर, प्याज और जो करी पाउडर होता है ना वो वाला है। थोड़ा सा मुझे भी टेस्ट करने देना, थोड़ा सा। मुझे नहीं मिलेगा। देखो कैसा बेचारा होके बैठ रखा है यहाँ पे। तू कितना भी क्यूटली एक्ट कर ले, तुझे कुछ नहीं मिलेगा। इस ड्रिंक के अंदर ऐसा लग रहा है कि छोटे छोटे जानवर है, लेकिन जो सीड्स होते हैं ना, बेसिल सीड, वो वाले हैं। आई थिंक कि जो आज का चैलेंज था वो काफी सक्सेसफुल था, बस मैंने एक छोटी सी गलती कर दी वो मोमोज वाली, लेकिन बाकी का काफी सही था। एनीवे गाइस आज के सिर्फ इतना ही। आप प्लीज मुझे कमेंट में बताना कि आपका फेवरेट पार्ट कौन सा था, और मैं आपको जल्दी से मिलती हूँ मेरे नेक्स्ट व्लॉग में, जो कि मुझे पता नहीं कौन सा होने वाला है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई लव यू, हैप्पी होली, बाय बाय। बच्चा मुझे देख के डर गया। आज खूब 주시겠어요? 네. 감사합니다. 네. 감사합니다.